इसका रेट है 3,20,000 रुपये और इसका रेट है 1,40,000 रुपये। रेट है 1,70,000 रुपये। सोनाटा है हुंडई की, सोनाटा मेरा। सर इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका 2,50,000। हाय गाइस, मैं हूँ अनिल और आज जो अपन आए कार पॉइंट पे, यहाँ पे सभी टाइप की सेकंड हैंड कार मिलती है, छोटे से बड़े तक। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि कोई कम प्राइस की कार दिखाए, यानी कि 1 से 1.5-2 लाख तक बिल्कुल अच्छी कंडीशन की कार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सियाज है और भी, तो ये तो अपन सर से ही जानेंगे कौन सी कार है। तो और यहाँ पे दिखाइए पूरा, यानी तो दोस्तों अभी जो अपन है संत कृपा कार पॉइंट, यहाँ पे सभी टाइप की यानी कि लग्जरी कार यानी छोटे से बड़े कार तक मिलती है। तो अभी अपन फाइनेंस की जो है यानी प्रोसीजर और प्राइस से लेकर सारी डिटेल जो है सर से पूछेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल तुम्मुलवार है। हाँ, मैं संत कृपा कार पॉइंट के ओनर हूँ। अपने यहाँ सभी प्रकार के 4-व्हीलर मिलते हैं। अपने यहाँ बजट है 85,000 से लेके 70,00,000 तक अपने यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ मिलती है। और अपने यहाँ सभी फाइनेंस यानी फैसिलिटी अपने तरफ है, पूरा ओके। अच्छी बात है सर। सर मैंने यहाँ पे 2-व्हीलर भी देखी है, यहाँ पे 2-व्हीलर भी हमारे यहाँ 2-व्हीलर भी है। सभी कंपनियों के गाड़ियाँ हम सेल करते हैं 2-व्हीलर। तो गाइज यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे 2-व्हीलर भी है। तो 2-व्हीलर जो है ना, तो यहाँ पे 19-20 यानी कि 2020 अच्छे मॉडल के हैं, तो अपन वो भी कवर करेंगे। तो चलिए अपन गाड़ियाँ जो है सर अभी अपन सभी कवर करेंगे, ठीक है। तो गाइज अभी अपन जो है टाटा नैनो के पास है। तो सर इसका प्राइस क्या है? इसका 85,000 है। ये 2012 का मॉडल है। तो दोस्तों दिखने में भी अच्छी दिख रही है। तो सर ये कितने चला है, कितने किलोमीटर चला है? ये चला है 53,000 किलोमीटर। और सर आप कौन सी कार दिखाओगे आप हमारे तरफ? और उसके बजट में एक अल्टो है। हाँ जी, 2011 का मॉडल है। तो वहाँ पे कैमरा करना, वहाँ पे आपको अल्टो दिखेंगी, K10 है। सर कब का मॉडल है वो? 2011। क्या प्राइस रखी है सर उसकी? 85,000। अच्छा, अच्छी प्राइस है। तो बिल्कुल 2011 का लग नहीं रहा, यानी कि बिल्कुल फ्रेश लग रही है वो। K10 अपने को मिलती नहीं इतने कम प्राइस में, तो आप वो भी एक ऑप्शन है, वो खरीद सकते हो। ये है मारुति अर्टिका 2013 का मॉडल है, 73,000 चला है ओनली, और इसका प्राइस है 5,60,000 रुपये। उसके बाजू में है अल्टो, ये 2011 का मॉडल, इसका अल्टो K10, इसका रेट है 1,85,000। और उसके बाप देखेंगे इसके बाजू में स्विफ्ट डिजायर है 2011 मॉडल, इसका रेट है 3,20,000 रुपये। और उसके बाजू में है हुंडई गेट्स, इसका मॉडल है 2009 और इसका रेट है 1,40,000 रुपये। अब उसके बाजू में आप देखेंगे वैसे। तो यहाँ पे एक WRV है ना सर? ये जाज। अच्छा, होंडा जाज है। तो सर आप एक पहली बार बताइए कि अपने जो सब्सक्राइबर है अपना चैनल से नाम लेके आएंगे आपका, तो उसमें कुछ कम हो जाएगा, यानी कि ऑफर मिलेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो गाइज एक बात आपने को अच्छी मिलती है कि यानी आप अपना ऑटो कार क्लासिक जो चैनल है उसका नाम लेकर आते हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा इसके साथ। तो और उसके बाद एक कम प्राइस की दोस्तों एक कार के पास आते हैं अपन, टाटा। सर ये कौन सी है? टाटा इंडिगो है। हाँ, ये टाटा इंडिगो है, 2012 का मॉडल है, इसका रेट है 1,70,000 रुपये। और सर ये कितनी चली है? ये चली है 70,000 तो कार है। और यहाँ पे एक फोर्ड की आती है, फिगो है, 2012 मॉडल। तो ये फिगो 2012 की, यानी कि कलर में भी फोर्ड की। हाँ, ये सेकंड टॉप मॉडल है, 2,50,000 रुपये रेट है इसका। अच्छा, 2,50,000 रेट है। तो सर कितनी चली है बोले आप? ये भी 73,000 चला है। 73,000 चली है दोस्तों ये वाली। और यहाँ पे दोस्तों एक 2011 स्कॉर्पियो है, एमॉक मॉडल, ये है 3,75,000 रुपये। और सर ये कितनी चली है? ये चली है 95,000। तो गाइस एक आपको यहाँ पे बड़ी सी गाड़ी मिलती है फैमिली के लिए, यानी कि भाड़े पर यानी चलाने हो या फिर टैक्सी परमिट के लिए चलाने हो तो आप इसको चला सकते हो। एक बार देख लीजिए इसका पूरा वॉकराउंड।
तो दोस्तों हम आप ही आगे में चलेंगे, वहाँ भी बहुत सारे कार है और टू व्हीलर भी है, अपन वो भी कवर करेंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे एक कार आई हुई है, प्राइवेट गाड़ी है सर, इसका परमिट उतार दिए। अच्छा, परमिट उतार के दोस्तों, तो ये अभी आई है हुंडई एक्सेंट 2016 का मॉडल है, ये किलोमीटर चला 115,000 रुपये। और सर इसकी प्राइस जो क्या रहेंगे? 4.25 लाख रुपये। 4.25 लाख दोस्तों इसकी प्राइस रहेंगे। इसका परमिट उतर गया है इसलिए इसका रेट अपन ने 4.25 लाख रुपये रखे। तो एक अच्छी सी आपको हुंडई की कार मिलती है एक्सेंट, तो आप ये भी खरीद सकते हो। तो गाइज यहाँ पे एक बिल्कुल न्यू ब्रांड सी ऐसी सियाज कार है जो अभी मारुति सुजुकी कंपनी के शौकीन है उनके लिए। तो सर इसका क्या प्राइस रहेगा? ये 6,60,000 रुपये इसका रेट है, तो 2016 का मॉडल। तो 6,60,000 इसका प्राइस है दोस्तों। ये आपको सेकेंड हैंड मार्केट में 8 लाख या 7 लाख की मिलती है, तो फिर ये आपको दोस्तों पुराएंगी गाड़ी है। और एक वहाँ पे भी दोस्तों गाड़ी है शेवरलेट टवेरा। तो सर ये कितने? 3.5 लाख रुपए रेट है इसका, ये 2010 का मॉडल है। और सर ये कितने किलोमीटर चली है? ये 90,000 चला है। तो एक बार दोस्तों को सबको दिखाने आने की टवेरा है। तो सर ये कौन सी गाड़ी है? हुंडई की दिख रही है मुझे, ये सोनाटा है हुंडई की, सोनाटा मेरा। ये 2007 का मॉडल है। और सर इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका 2,20,000 रेट रखे अपने। और सर कितने किलोमीटर चली है? ये चली है 85,000। गाड़ी गुड कंडीशन में है पूरा, सभी तरफ से गाड़ी ओके है। तो सर इसमें कुछ नेगोशिएबल भी हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें नेगोशिएबल प्राइस है, यानी कि आप बिल्कुल संत कृपा कार पॉइंट है यहाँ पे ज़रूर आइए और आपको यहाँ के सभी टाइप की गाड़ियाँ मिलेंगी। और एक दोस्तों इधर भी आते हैं, एक कौन सी है, होंडा सिटी दिख रही है अपने को। तो यहाँ पे एक दोस्तों एक होंडा सिटी भी दिख रही है। तो सर इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका 2.5 लाख रुपये रेट है, 2009 का मॉडल है, टॉप मॉडल है ये। तो सर ये क्या मतलब कितने किलोमीटर चली है सर? 65,000 किलोमीटर चला है। तो दोस्तों ये वो टाइम का टॉप मॉडल है, बिल्कुल ही होंडा सिटी बड़ी सी मिलती है आपको, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो दोस्तों अभी जो अपन चलेंगे, यानी कि यहाँ पे टू व्हीलर भी है, अपन अभी वो भी कवर करेंगे। तो चलिए चलते। टू व्हीलर भी है यहाँ पे सेकेंड हैंड, यानी कि टू व्हीलर में दोस्तों यहाँ के जो बाइक जो है, यानी एक्टिवा मोपेड भी है इसमें, और ये क्रम प्राइस में आया है यहाँ पे अवेलेबल। और तो ये इसके डिटेल तो अभी सर से ही जानेंगे अपनी सभी अपन। तो सर ये 2020 से 21 से गाड़ी है दोनों भी। हाँ, ये कम बजट में है, 70 से 60 के बजट में है पूरे गाड़ी। तो सर बहुत से यानी कि लेडीज़ के लिए भी यहाँ पे है, यानी कि एक्टिवा दिख रही है, जुपिटर है, एक्सिस है, तो वो उसमें से कुछ सेल हो गए ना अभी? नहीं है, कुछ गाड़ियाँ है अभी, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा के देंगे सर। तो सर ये एक्टिवा का प्राइस क्या रहेगा? 68,000 है उसका। और यहाँ पे एक और पैशन दिख रही है मुझे, इसका प्राइस क्या रहेगा? उसका भी 68,000 है। और ये कौन से साल की है सर? ये 2020 का मॉडल है। और एक यहाँ पे आते गाइस, ये एक TVS दिख रहे गाइस अपने को, न्यू ब्रांड सी, ये कब का मॉडल है? 63,000। और कब का मानी? 2020 का मॉडल है। अच्छा, 2020 का ही मॉडल है, बिल्कुल टॉप मॉडल। और एक यहाँ पे आते गाइस होंडा हीरो ड्रीम। और सर इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका 62,000। और यहाँ पे दोस्तों बड़ी डिमांडेड एक बाइक जो है, तो गाइस अभी एक बड़ी प्यारी सी गाड़ी है जो कि डिमांड में रहती है, स्प्लेंडर, हीरो की स्प्लेंडर है। तो सर इसका प्राइस जो क्या रहेगा? 2020 का मॉडल है और 68,000 है। और यहाँ पे एक जो आती है CD 100, 35,000 इसका प्राइस जो है। 2021 का मॉडल है और सबसे कम प्राइस बाइक में इसकी है, कितने सर बोले? 35,000। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप ये भी ले खरीद सकते हो। तो गाइस आज का ये
सेकंड हैंड लग्जरी कार का ब्लॉग था संत कृपा कार पॉइंट पे अपन आए थे। और आज का दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट में बताइए, और आपको कौन सी कार पसंद आई बिल्कुल वो भी कमेंट में बताइए। यहाँ का एड्रेस भी मैं दे देता हूँ और आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। कॉल करोगे तो बिल्कुल आप 9 से 6 बजे तक कॉल कीजिए कभी भी यानी दिन में। और आपके जो भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है संत कृपा कार पॉइंट पे, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो वीडियो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, कई और मिलेंगे नए कार के साथ। और आपको अभी मैं मिलते ही रहूँगा यानी कि अपने ब्लॉग आते रहेंगे। तो चलिए।